गुड मॉर्निंग क्लास, हम पढ़ रहे हैं क्रिया पाठ हिंदी व्याकरण से। क्रिया, ये क्रिया चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, पेज नंबर 45। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः पढ़ना, उगना, बरसना, सोना, खेलना, चरना शब्दों से किसी न किसी के द्वारा काम को करने या काम के स्वयं ही होने का पता चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ काम किए जाते हैं, कुछ अपने आप होते हैं। अर्थात हम क्रिया का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ दो पार्ट्स में दिया गया है, होना और करना। क्रिया, कुछ क्रिया शब्द जैसे होना और करना में डिवाइड कर सकते हैं इसको। पहला है होना में बहना, बरसना, उगना, जलना। ये जो है क्रिया खुद ब खुद होती है, इसको करना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे हम होना में रखेंगे। दूसरा पार्ट है करना। करना पहला फिगर में लिखना, दूसरा में हंसना, तीसरा में गाना, चौथा में दौड़ना। ये क्रिया जो है किसी न किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इससे हम क्रिया को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। करना और होना, ये दोनों कार्य होता है। होना जो है किसी के द्वारा होता है, करना जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाता है। पर होना खुद ब खुद होता है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। नीचे अब हम देखते हैं अब तक जाना। पहला पॉइंट में है कुछ काम हम करते हैं जैसे भोजन खाना। सेकंड में है कुछ काम अपने आप होते हैं जैसे सूरज का निकलना। थर्ड में है क्रिया शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 10 नंबर जो कि क्रिया, चैप्टर का नाम है क्रिया, ये समाप्त होती है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।